अंकित, आपके दोस्तों को क्या पता है झुकने के बारे में? कुछ पता है उनको कि नहीं? आपके झटका नहीं पता है? आपने कभी बात नहीं की उन लोगों से कि अगर मुझे कभी झटका आ जाए तो तुम लोग ये करना है, तो मुझे पानी के सामने जाने मत देना, मुझे आग के सामने जाने मत देना, सब बताया कभी किसी दोस्तों से? बात नहीं हुई? आपने कभी बताया अपने बच्चों के माता पिता या बच्चों के साथियों से कि इसको इसका थोड़ा ध्यान रखो, अगे अकेले ये पानी की तरफ जाए सही पर अकेले ना जाए? क्या है कारण? अब इतना दिन तो कुछ नहीं हुआ है, तो वो अब चले जाता है तालाब, साइकिल भी चलाता है, खेल भी करता है और बहुत सारे काम कर हाँ, लेता तो क्या होता है जब दवा खाते हैं ना, है। 70% लोगों को फिर से झटका नहीं, अगर आप सही तरह से दवा खा रहे हो। हाँ, मैं वो सही बोल रही टाइम हूँ ना? 70% लोगों को नहीं, जी। जो 30% को आता है वो शायद दवा खाना भूल गए होंगे, या फिर उनको दवा का जो दो दो गोली के जगह 3 गोली लगेगा ऐसा, या फिर कोई और दवा लगेगा, है ना? अगर इससे भी नहीं हो, बहुत कम लोग हैं उनका छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ता है, तो ज़्यादातर लोग जो है दवा से ठीक हो जाते हैं। हाँ, पर अगर मान लो किसी को झटका आए आपके सामने, तो आप क्या करोगे? अब वो जो बताया उपचार है, क्या उसको सुलाना पड़ता है ना, उसका जो लार है उसको वो अंदर ना जाए वापस, है ना, वही तो उपचार है उसके। कैसे कैसे बताओगे कैसे? तो सुलाते हैं शायद, है ना, उसको उसका हाथ पैर सीधा रखते हैं, इसके बाद हाथ पैर सीधा रखने की जरूरत नहीं, वो ना करवट, वो हाँ वो हाथ पैर टूट जाएंगे अगर जबरदस्ती नहीं, सीधा उसको नहीं करने की खींचना है, कोशिश करो। उसको करवट सुलाना है। हाँ, वो आसपास से सब चीजें हटा दिया करो ताकि उसको चोट ना लगे। हाँ, अगर वो आग के सामने है तो वहां से उसको हटाओ, अगर पानी के सामने वहां से उसको हटाओ, है ना? और मुंह में चम्मच वम्मच मत घुसाना, ठीक है? उससे आपका भी मतलब उंगली काट देगा वो, या फिर उसको उसको भी हानि पहुंचेगा, दांत वांत टूट भी सकता है जबरदस्ती घुसाने की कोशिश करो तो, ठीक है? और ऐसे करो कि सबको वो आसपास में जो है लोग सबको बोलो कि भाई झटका तो अभी तो कुछ नहीं हो सकता, इसको हम लोग सुरक्षित रखते हैं, है ना? उस पर उस वक्त अगर मतलब जो उसके साथ हो रहा है झटका वो तो हो जाएगा, लेकिन उसको चोट ना पहुंचे, है ना, कहीं पे तो उसको सुरक्षित रखना है। आसपास में सब हटा दो, ठीक है? जबरदस्ती उसको सीधा करने की कोशिश मत करो, है ना? ऐसे तो ऑलरेडी उसका हाथ पैर सुकड़ा हो जाता है ना। हाँ, वो जैसे वो हाथ पैर जो होगा वो सही भी हो जाएगा अपने से, उसको खींचने की जरूरत जरूरत नहीं, नहीं है ना? और अगर वो बेहोश हो गया है, हाँ, तो फिर तब उसके उसको लेटाओ, सीधा करो और उसका मुंह मतलब इस तरफ कर दो, अगर कोई वो जो लाल जो है वो अंदर मतलब बाहर आ जाए। हाँ, बस यही है, और बाकी तो फिर डॉक्टर को दिखाना ही है, वो तो बाद में भी हो सकता है, ये भूत भूत का बात तो नहीं है, ये तो आप लोग समझ चुके हैं। और जैसे इनके 4 बच्चे सब ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी मरीज को या किसी महिला को झटका आए तो उससे उसके बच्चे को कोई परेशानी होगी, ऐसा नहीं है, है ना? बहुत सारे लोग हैं, मरीज है जिनके बच्चे एकदम स्वस्थ है, कभी झटका नहीं आया, एकदम मतलब कभी इलाज भी करना नहीं पड़ा। और जिन लोगों को झटका आता है ये भी वो लोग भी दवा खा के एकदम स्वस्थ हो जाते हैं, उनका भी कोई ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं कर पाएंगे वो काम नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा अपना मतलब सावधानी से रहेंगे तो वो लोग सब काम कर पाएंगे, है ना? आप लोग जॉन्टी रोड्स को जानते हो? नहीं, क्रिकेट तो आप खेलते हो, सुने हो कभी? जॉन्टी रोड्स बहुत बड़ा वो फील्डर था साउथ अफ्रीका का, उसको झटके आते थे वहाँ। तो ऐसे बहुत सारे महान व्यक्ति हैं। हाँ, हाँ। मैडम का कहने का